हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी। इसका नाम है एक चीज़ सैंडविच। इसे बनाना बेहद आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए आप फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो अंडों को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पानी में दो अंडे को डाल दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं और हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग के ऊपर अच्छा सा क्रैक भी आ चुका है, यानी हमारा एग अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडे पानी में डाल के इसका छिलका निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। अब इसमें हम ये बॉईल किया हुआ अंडा को डाल देते हैं और इसका ये ऊपर वाला छिलका पूरा निकाल देते हैं। ठंडे पानी में डालने के बाद हमें फटाफट इसका छिलका निकाल देना है ताकि एकदम आसानी से इसका छिलका निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ये छिलका निकाला हुआ एग है, इसे रख दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हाफ कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसका जो येलो पार्ट है इसे निकाल देते हैं। हमें इसे फेंकना नहीं है, इसे भी हमें यूज़ कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे ये व्हाइट पार्ट को अच्छे से बारीक कट कर लेना है। आपको जितना बारीक कट कर लेना है उतना कट कर सकते हैं, नहीं तो मीडियम साइज़ में हम जितना पैच को कट करते हैं उस तरीके से इसे कट कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और इसी तरीके से ये सेकेंड पार्ट को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे ये व्हाइट पार्ट अच्छे से कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे येलो पार्ट को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ये सेपरेट करके भी कट कर सकते हैं, व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट, नहीं तो यहाँ पे मैंने ये जो सेकेंड एग इसे कट कर लिया है, इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट को नहीं निकाला है, आप चाहे तो इसी तरीके से भी आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों अंडों को अच्छे से कट कर लिया है और हमें यहाँ पे इसे बारीक ही कट कर लेना है ताकि सैंडविच में इसकी फिलिंग अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे ये एक अच्छे से बारीक कट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसे स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है और साथ में लिया है 2 हरी मिर्च, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। धनिया पत्ता लिया है 2 चम्मच, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज 2 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच और साथ में ही लिया है रेड चिली फ्लेक्स आधी छोटी चम्मच, ओरिगैनो लिया है आधी छोटी चम्मच और यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 चम्मच। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेना है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ एग्स। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज और उसी के साथ डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें हम डाल देते हैं रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो डाल देते हैं, बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें ही हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। मेयोनीज डाल देते हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेयोनीज डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ सैंडविच बनाना एकदम आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेयोनीज कम लग रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से 1 चम्मच जितना मेयोनीज को ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना मेयोनीज को ऐड कर दिया है। ज़्यादा मेयोनीज रहने से जो स्टफिंग है दिखने में थोड़ी सी क्रीमी सी दिखती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मेयोनीज का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है दिखने में कितना क्रीमी दिखने लगा है और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे ये स्टफिंग अच्छे से बन के तैयार है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिया है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल हनी व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे तो मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 ब्रेड को साइड में रख देते हैं और 1 ब्रेड के ऊपर स्टफिंग को डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से स्टफिंग को ऐड कर देना है। हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टफिंग को ऐड कर देना है ताकि खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्टफिंग को ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टफिंग को थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे ये ब्रेड अच्छे से तैयार है। अब इसके ऊपर हम चीज़ सीट को रख देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक ही चीज शीट का यूज किया है, आप चाहे तो दो या डेढ़ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे रख दिया है। अब इसके ऊपर हम जो दूसरा ब्रेड स्लाइस है उसे रख देते हैं और इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये टोस्ट होने के लिए रेडी है, तो अब चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इस गर्म तवे पे हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रेड को रख देते हैं और इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं। और हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लेना है, या फिर तब तक टोस्ट करें जब तक इसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाए। हमें यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से इसे टोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्रेड है इसके ऊपर भी अच्छे से बटर को लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट होते ही हम इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से अच्छे से इसे टोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि एक सैंडविच बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। और ये सैंडविच की रेसिपी बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे ये सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दूसरा साइड भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कितना बढ़िया सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। तो इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो आप चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे सैंडविच को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बीच में से कट किया है। आप चाहे तो इसे डायगोनली भी कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे 4 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना कि इसकी फिलिंग दिखने में कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एक बार चीज सैंडविच बनाकर ट्राई करें तो आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।